हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी बच्चों? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी का टेस्ट आज हो गया, कल हो गया था। आज मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट चेक किया। आप मुझे एक बात बताइए बच्चों कि जो चीज आपको सिलेबस में दी गई है वही चीज तो बेटा आएगी ना। क्या क्या आना था बताओ मुझे जरा हिंदी में। एक तो चार अक्षर के शब्द और आ की मात्रा। बेटा जब मैंने आपको जितना पढ़ाया है मैं आपको उतना ही तो सिलेबस दूंगी, उससे ज्यादा सिलेबस थोड़ी ना दूंगी। तो जो चित्र थे तो वो कौन से थे? वो चार अक्षर के जो शब्द होते हैं उनके चित्र थे। चार अक्षर के शब्द हमने कितनी बार पढ़े हैं, जैसे कि अदरक, बर्तन। तो बेटा वो जो पेड़ बना हुआ था उसका नाम क्या है? चार अक्षर के शब्द में क्या होता है वो, जिसका नाम था बरगद। क्या होता है? बरगद। तो बच्चों, और बर्तन जो था, प्लेट बनी हुई थी, जो थाली सी थी, वो क्या थी? बर्तन, बर्तन, ठीक है। और जो कोट टाइप का बना था वो क्या था? अचकन, ठीक है। तो बेटा एक बार आप अपना सिलेबस भी देख लीजिए कि मैम ने आपको क्या दिया है। जो भी आपको सिलेबस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट या क्लास टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। उससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना। अगर आप पेड़ लिख रहे हो उसकी जगह, पेड़ भी ठीक है, लेकिन बेटा मैंने आपको पेड़ तो नहीं पढ़ाया ना अभी। पेड़ में तो एक ही मात्रा आ रही है ना। और अगर आप उसको कपड़े लिख रहे हो तो कपड़े में भी एक ही मात्रा आ रही है, तो ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है। या अगर आप थाली लिख रहे हो तो अभी बड़ी की मात्रा तो हमने अभी शुरू की है। तो बच्चों एक बार आप अपना ध्यान से सिलेबस भी देख लिया करो और बुक खोल के देख लिया करो कि हमने क्या पढ़ा है या मैम ने आपको क्या पढ़ाया है, ओके। तो चलिए सबसे पहले आज की डेट देख लेते हैं। टुडेस डेट इज 16/9/2020, यानी 16 सितंबर 2020। एंड डे इज वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। वेडनेसडे यानी कि बुधवार। वेडनेसडे यानी कि बुधवार, ठीक है। और आज का हमारा विषय है बेटा हिंदी। आज का विषय क्या है हमारा? हिंदी। और उप विषय है हमारा ई, बड़ी ई की मात्रा के शब्द। किसके शब्द बच्चों? बड़ी की मात्रा के। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने किसकी मात्रा करी थी? आ की मात्रा। किसी भी वर्ण में जब हमें आ की मात्रा लगाते हैं तो किसका काम देती है? आ का। जैसे कमिया का, हमिया हा, नमिया बाद हमने ई पढ़ा, ठीक है। कौन सा ई? छोटा ई। जैसे काम में ही की, ना में ही नी, हा में ही ही। आज हम पढ़ रहे हैं बड़ा ई, यानी कि बड़ी, बड़ी से इमली। तो इसकी मात्रा कैसे होती है? हमेशा वर्ण के पीछे लगाई जाती है। आज हम ये मात्रा पढ़ रहे हैं। जैसे काम में ही की, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये बड़ी मात्रा, जो मछली बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? मछली, मछली। तभी तो वो मछली बनेगा, नहीं तो मछली नहीं बनेगा। चलिए अब पहले अब वर्णों को तोड़ तोड़ कर लिखा है और मात्राओं को उनके साथ मिला के लिखा है। तो अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? उनको जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बड़ी की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है, कहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना सीखो, ठीक है, दिमाग को उसको बैठाओ। तो सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे।
जमा हा में आता डंडा थ, हा में बड़ी की मात्रा थी, क्या बन गया हा में आपकी मात्रा हा, थ हा में की मात्रा थी हाथी, क्या बन गया स्टूडेंट हाथी। अब देखिए मा छ ला जमा बड़ी की मात्रा, अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले म लिखा है तो हम यहाँ पर म लिख लेंगे, म फिर छ ला, ला में बड़ी की मात्रा ली, क्या बन गया स्टूडेंट मछली, क्या बना मछली, मछली यानी कि फिश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ब, सबसे पहले ब लिखा है तो ब लिख लीजिए। देखिए मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ लिख के, जैसे कि यहाँ पर तोड़ तोड़ के लिखा है, यहाँ पर मैं आपको अगर इकट्ठा लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक करके इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आपके दिमाग में ये अक्षर बैठ जाए, ठीक है। किस तरीके से बैठगा, उसके बाद पहले क्या है र, र में जमा
लगाई जाती है वो बड़ी ही मात्रा होती है। आप पेज नंबर 15 और 16 पर देखना, बड़ी ही मात्रा के शब्द दिए गए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलेंगे। कील, हाथी, मछली, बकरी। जब मैं पढ़ाती है तो सभी बच्चों को ध्यान रखना, किसमें देखना है, ब्लैक बोर्ड पे देखना है। बच्चों